हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुस्कान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू पिच गेज। जो आपके सामने रखा हुआ है, यह किस धातु का बना होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका नाम स्क्रू पिच गेज कैसे पड़ा, इस सब बातों का आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्रू पिच। ठीक है, स्क्रू मतलब जो वर्कशॉप में हमारे नट बोल्ट जो भी यूज होते हैं और स्क्रू यूज करती है, उसके में थ्रेड कटा होता है। ठीक है, उस थ्रेड को मापने के लिए यह उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये पिच क्या चीज होता है? जैसे कि आपका थ्रेड जो होती है, जो चूड़ी कटी होती है नट बोल्ट पर, इस टाइप का होता है। इसके जो दांत होती है टीथ, एक टीथ के सेंटर से दूसरे टीथ के सेंटर तक जो दूरी होगी उसको हम पिच बोलेंगे। यानी कि एक टीथ के सेंटर तथा दूसरे टीथ के सेंटर के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, नाम भी उसी तरह रखा गया है। स्क्रू जो नट बोल्ट होते हैं, पिच उसका पिच, गेज मतलब मापने, गेज में मापता है। यानी कि इसका नाम पड़ा है दो थ्रेड को मापने के लिए, थ्रेड के पिच को नापने के लिए जो गेज यूज होता है उसको हम स्क्रू पिच गेज कहते हैं। क्या क्या मेजर करता है ये? पहला, ये पिच मेजर करेगा। दूसरा, एंगल मेजर करेगा। तीसरा, टीपीआई थ्रेड पर इंच को मेजर करता है। चलते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इसका ये पार्ट्स है, देख रहे हैं सामने रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है ये बीच वाला जो भाग है हमारा है, ये होल्डर है, इसमें ये सब ब्लेड रखा हुआ है। ठीक ना, ब्लेड के अंदर होल्डर रहता है, सॉरी होल्डर के अंदर ब्लेड रहता है। ठीक है, सभी ब्लेडों पर ये दांती बनी होती है, टीथ टीथ बनी होती है अलग अलग साइज की। ठीक है, ये सब बना होता है। क्लियर, ये जो ब्लेड होती है हमारी, इसकी जो ब्लेड होती है ये स्प्रिंग स्टील की शीट से बनी होती है जो कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, स्प्रिंग स्टील की शीट से बनी होती है जो कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इससे कौन कौन सा थ्रेड मेजर करते हैं? एक जो हमारे पास नट है, नट का अंदरूनी यानी इंटरनल भाग को हम इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, यानी पिच की ज्ञात कर सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए बोल्ट की जो थ्रेड बनी होती है, बाहरी थ्रेड, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दोनों प्रकार के मेजर कर सकते हैं। यह दो टाइप के बना होता है, दो सिस्टम में बना होता है। पहला मीट्रिक सिस्टम में। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में 24 ब्लेड लगे होते हैं जो कि 0.25 से 6 एमएम तक मेजर कर सकता है। दूसरा हमारा है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम टीपीआई तथा उसके द्वारा एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। इसमें 30 ब्लेड लगा होता है। ठीक है, इसमें हम 4 से लेकर 42 चूड़ी यानी टीपीआई मेजर कर सकते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ इत्यादि आते हैं। ब्रिटिश सिस्टम, इसका बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइट वर्ड, ये बीएसएफ का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। ठीक है, अब इसके द्वारा कैसे मेजर करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास है ये मीट्रिक सिस्टम का, मीट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। ये हमारे मीट्रिक सिस्टम आपको दिख रहा होगा। आपको मीट्रिक दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम के द्वारा हम इस छेद को मेजर करते हैं।
हमारे सामने थ्रेड है, अलग अलग टाइप के थ्रेड है, नहीं हो रहा है, इसे छोटा थ्रेड चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है, देखिए ये पूरी तरह से ये एडजस्ट हो गया है, यानी कि इसकी थ्रेड यही है। इसको देखते हैं कितने का है, जीरो पॉइंट एट एम एम का ये थ्रेड है, क्लियर है। ये तो मीटिंग सिस्टम ने हमने मेजर किया है, ठीक है। इसी तरह बीटी सिस्टम में मेजर कर सकते हैं, बीटी सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है दो ब्लेड, ये दोनों हमारे मीटिंग सिस्टम के थे, ये और ये। बीटी सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है, देख रहे हैं ये आया है 18G 16G 14G 13G 12G 11G इस तरह के ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसका हम निकालते हैं, बीटी सिस्टम से भी हम टीपीआई निकाल सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये बीटी सिस्टम वाले में, देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, अब आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 2.5 इंच जो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारी 2.5 इंच दिख रही है आपको, ढाई इंच में क्या दिया हुआ है, 4G, यानी कि जो ये टीथ जो सेट होगा कितना होगा इसका टीपीआई, 1 इंच में 4, यानी कि 4 दांत बने होंगे, 1 इंच में 4 दांत, 2.5 इंच, यानी कि इसमें जो मेजर हुआ ये 2.5 इंच हुआ, ठीक है। इस दांत में जो थ्रेड सेट होगा उसको 2.5 इंच बोलेंगे, इसका नंबर मतलब मान। ये आइए, ये 2 इंच का है, यहां देख रहे हैं 2 इंच, इसमें 2 इंच दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखिए 4.5 दांत, ये 4.5 दांत बनेगा जो मेजर करेंगे। इसी तरह ये फॉर्म में दिया हुआ है, जितनी दांत है उतनी दांत यहां पर टीपीआई काउंट हो सकता है इससे। ये बीटी सिस्टम में है। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर जरूर करें। स्क्रू पिच गेज ये आपका लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के समय भी इसका प्रयोग करते हैं, कितनी चूड़ी काटनी है कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग होता है, वर्कशॉप में प्रयोग होती है, लेथ मशीन में प्रयोग होता है, आपको मार्केट में खरीदने जाते हैं किस थ्रेड का स्क्रू बोल्ट स्क्रू नट या स्क्रू खरीदना हो, चाहे नट बोल्ट खरीदना हो, ये सब स्टड खरीदना हो, कितने थ्रेड का है, कौन सा नंबर है, कौन सा पिच है, ये सब आपको खरीदना है तो आपको स्क्रू पिच कैसे मेजर करके आप खरीद सकते हैं, वर्कशॉप में प्रयोग कर सकते हैं, लेथ मशीन पर चूड़ी काटते समय कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।